Welcome to my channel Mathematics Makes Maths Easy. Today we will study class 9 chapter 13 surface areas and volumes exercise 13.2 all question solved. आज हम लोग पढ़ेंगे exercise 13.2. First question क्या बोलता है देखिए. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. हमको यहाँ पे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो हाइट है वो भी हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमको बोलता है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका जो बेस का डायमीटर है वो हमको निकालने के लिए बोल रहा है. कैसे होगा आइए देखते हैं. ये है मेरे पास 13.2 फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमको दिया हुआ था कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि था 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखिए ये वाला मेरे पास हो गया है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जहाँ पे हाइट हमको दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर का और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमको दिया हुआ था यहाँ पर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर का. तो हमको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है मेरा 2 पाई आर एच जो कि दिया हुआ है 88. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको हाइट दिया हुआ है और पाई का जो वैल्यू है वो हमको दिया हुआ है 22/7 क्वेश्चन में. तो यहाँ से हम लोग आर निकाल सकते हैं, यानी कि आर मेरा हो गया है 88/2 × π × h. पाई मतलब हो गया है 22/7, यानी कि 22 आ गया यहाँ पे और 7 चल गया ऊपर, ये मेरा आ गया 2 और हाइट हमको दिया हुआ था 14. इसको कट करने से हमको मिलता है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये मेरा हो गया है रेडियस. देयरफॉर रेडियस मेरा हो गया है 1 सेंटीमीटर. तो अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1+1, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा रेडियस है. तो डायमीटर कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा है मेरा डायमीटर, यानी कि रेडियस मेरा 2 बार आएगा. इसलिए जो डायमीटर है वो मेरा हो गया है 1+1 यानी कि 2 सेंटीमीटर. देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर वो मेरा हो गया है 2 सेंटीमीटर. ओके अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 2. ये कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक. यहाँ पे देखिए क्लोज्ड बोल रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बोल रहा है, वहां पर मेरा क्या हो जाएगा, वहां पर मेरा हो जाएगा टोटल सर्फेस एरिया, वहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लोज्ड बोल दिया है. जहां पे हाइट हमको दिया हुआ है 1 मीटर, डायमीटर हमको दिया हुआ है बेस का 140 सेंटीमीटर. देखिए यहाँ मीटर में है और यहाँ पर सेंटीमीटर में है, यूनिट्स मेरा अलग अलग है, ठीक है. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, यानी कि हमको यहाँ पर जो आंसर मांग रहा है वो मांग रहा है स्क्वायर मीटर्स में. स्क्वायर मीटर का मतलब हो जाता है ये मीटर का स्क्वायर, यानी कि हमको यहाँ पर अपना जो यूनिट है उसको मीटर में लेके आना है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम. तो आंसर हमको मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, इसलिए हमको सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आइए देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे हमको क्या बोल रहा था, यहाँ पे हमको बोल रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, ये हमको यहाँ पर निकालना है. वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है मेरा 2πr ब्रैकेट में h+r, ये मेरा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक. तो देखिए यहाँ पे हमको क्या मिलेगा इसका आंसर, ये मेरा हो गया है यहाँ पर देखिए 140 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ था हमको डायमीटर, ठीक है. तो अगर 140 सेंटीमीटर मेरा डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस मेरा हो जाएगा उसका हाफ, यानी कि 70 सेंटीमीटर. ओके इसको सॉल्व किए हैं हम लोग यहाँ पर 2, पाई मतलब हो गया है 22/7, आर मतलब हो गया है 70, एच हमको दिया हुआ था कितना, एच हमको दिया हुआ था 1 मीटर. तो 1 मीटर को हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में, ठीक है. 1 मीटर इज इक्वल टू हो गया है 100 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर हो गया है मेरा रेडियस 70. तो इसको सॉल्व करने से हमको मिला है यहाँ पर 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये वाला हमको मिल गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में हमको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर जो आंसर मांग रहा है वो मांग रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स.
यानी कि हमको जो आंसर है वो मांग रहा है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं मीटर स्क्वायर में, तो ये मेरा आंसर आ गया है 7.48 मीटर स्क्वायर। ओके, देयरफॉर 7.48 मीटर स्क्वायर मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए हमको 7.48 मीटर स्क्वायर मेटल शीट का जरूरत पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल का पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए जो इनर डायमीटर है वो होगा 4 सेंटीमीटर का। तो देखिए ये वाला यहां से लेके यहां तक ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है इनर डायमीटर। देखिए यहां से लेके यहां तक ये हो गया है मेरा इनर डायमीटर, जो कि हो गया है मेरा 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर बोलता है द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला मेरा बन गया है बाहर का जो डायमीटर है वो। तो बाहर का जो डायमीटर है वो क्या है, बाहर वाला सर्कल का जो डायमीटर है वो मेरा हो गया है 4.4 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, हमको बोलता है निकालने के लिए फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया, जो भीतर का जो ये वाला सिलेंडर है उसका हमको निकालने के लिए बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो बाहर का सिलेंडर है उसका भी निकालना है हमको कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद बोलता है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, कैसे निकलेगा आइए चेक करते हैं। ये है नंबर 1, हमको यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर ऑफ इनर क्रॉस सेक्शन। डायमीटर जो है इनर क्रॉस सेक्शन का वो दिया हुआ था हमको 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस मेरा क्या बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है 2πRh, ठीक है। और यहाँ पर निकाल रहे हैं हम लोग जो इनर सिलेंडर है उसके लिए, तो इनर सिलेंडर मेरा हो गया है ये भीतर का सिलेंडर जो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है पूरा। तो जो इनर सिलेंडर है उसका मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2πRh, 2 × π यानी कि 22/7, r मतलब हो गया है यहाँ पर 2, और एच हमको दिया हुआ था 77 सेंटीमीटर का। तो इसको सॉल्व किए हैं तो मेरे पास जो इनर कर्व सरफेस एरिया है वो हो गया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए मेटल पाइप ये हो गया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 2, द डायमीटर ऑफ द आउटर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था हमको 4.4, देयरफॉर रेडियस मेरा क्या हो जाएगा आउटर क्रॉस सेक्शन का, ये मेरा हो जाएगा 2.2, ठीक है, क्योंकि रेडियस मेरा क्या होता है, रेडियस मेरा होता है डायमीटर का हाफ, यानी कि ये मेरा हो जाएगा d/2। ओके, देयरफॉर आउटर कर्व सरफेस एरिया मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा है 2πRh, यानी कि 2 × ये पाई, ये r हो गया है 2.2 और h हो गया है 77, ये मेरा हो जाता है 44 × 2.2 × 11, इसको सॉल्व किए हैं तो आ गया है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आउटर कर्व्ड सरफेस जो एरिया है मेटल पाइप का वो मेरा हो गया है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नंबर 3 में क्या बोल रहा है, नंबर 3 में हमको बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ऑफ 2 एजेस ऑफ मेटल पाइप। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये है नंबर 3, यहाँ पर हमको बोल रहा है टोटल एरिया ऑफ 2 एजेस ऑफ मेटल पाइप। यहाँ पर देखिए हमको निकालने के लिए बोल रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप का मतलब क्या हो गया है, देखिए ये वाला हमको दिया हुआ था एक पाइप, जहां पर ये वाला था मेरे पास देखिए छोटा वाला सर्कल और ये वाला था मेरे पास एक बड़ा वाला सर्कल, ठीक है। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो भीतर में ये छोटा वाला सर्कल जो है ये वाला जो एरिया है ये वाला क्या है, ये वाला खाली है, ठीक है, ये वाला वैकेंट है। तो इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, ठीक है, हमको निकालना है देखिए क्या हमको यहाँ पर निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, यानी कि हम लोग यहाँ पर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिए थे छोटा वाला का भी और बड़ा वाला का भी, यानी कि इनर कर्व्ड सरफेस जो एरिया है वो हम लोग यहाँ पर निकाल लिए थे
और आउटर कर्व सरफेस एरिया है वो भी हम लोग यहाँ पर निकाल लिए थे। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, अब हमको यहाँ पर ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बीच वाला जो छोटा सा एरिया है उसको छोड़ के, क्योंकि बीच में तो वो पूरा खाली है, ठीक है, तो बीच वाला जो एरिया है उसको छोड़ के हमको ऊपर में ये सर्कुलर एरिया का पार्ट निकालना है और नीचे में भी हमको ये सर्कुलर एरिया का पार्ट निकालना है, बीच वाला ये सर्कुलर पार्ट को छोड़ के। ये कैसे निकलेगा, अगर हम लोग ये बड़ा वाला सर्कल का एरिया को ये छोटा वाला सर्कल के एरिया से माइनस कर दें, यानी कि ये आउटर जो सर्कल है इसका एरिया निकाल के जो इनर सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए टोटल एरिया ऑफ टू एजेस ऑफ मिडल पाइप, यानी कि ये मेरा हो गया 2πr² माइनस 2πr², ये वाला हो गया है जो आउटर सर्कल है उसका और ये वाला जो इनर सर्कल है उसका। तो आउटर सर्कल में देखिए क्या हो रहा है, एरिया ऑफ द आउटर क्रॉस सेक्शन ये मेरा हो गया है πr² प्लस πr², यानी कि 2πr². ऊपर के लिए मेरे पास जो आउटर सेक्शन है यानी कि जो बाहर वाला जो एरिया है ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो ऊपर के लिए मेरे पास हो गया है ये वाला πr² और नीचे के लिए हो गया है ये वाला πr², यानी कि ये बन जाता है 2πr², ठीक है। वैसे ही जो इनर क्रॉस सेक्शन है उसका भी मेरा एरिया निकल गया ऊपर के लिए πr² और नीचे के लिए πr², यानी कि ये मेरा हो गया है 2πr². तो जो आउटर वाला है उसके साथ अगर हम लोग इनर वाला को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला जो एरिया है वो हमको मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग माइनस किए हैं 2πr² माइनस r² यानी कि ये वाला फॉर्मूला को यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, जहां पर 2π मेरा कॉमन है तो बाहर निकाल लिए हैं और इसको सॉल्व करने से मेरे पास आता है 5.28 cm², ठीक है। तो देखिए हमको अब ये वाला जो एरिया है ये हमको मिल गया है 5.28 cm², तो यहाँ पर मेरा हो गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इस पाइप का हमको मिल जाएगा इनर कर्व सरफेस एरिया जो कि मिल गया था हमको 968, फिर आउटर कर्व सरफेस एरिया जो कि मिल गया था हमको 1064.8 और टोटल एरिया ऑफ टू एजेस यानी कि ये भीतर का पार्ट को छोड़ के जो खाली था, जो बाहर का जो पार्ट है सर्कल में, वो हमको मिल गया था ऊपर नीचे मिला के 5.28, यानी कि सबको ऐड करने से हमको मिल जाता है टोटल सरफेस एरिया 2038.08 cm². ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये बोलता है द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डायमीटर है रोलर का वो हमको दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर का एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये पूरा हो गया इसका लेंथ जो कि हो गया है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड, उसको एक प्लेग्राउंड को क्या करने के लिए, लेवल करने के लिए 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करने का जरूरत होता है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है हमको मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर 84, तो रेडियस निकल गया मेरा यहाँ से 42, हाइट हमको दिया हुआ है 120 यानी कि ये वाला। तो यहाँ पर हमको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि रोड के ऊपर में सिर्फ मेरा ये वाला जो पार्ट है वही चलता है, रोड के ऊपर में मेरा जो सर्कुलर पार्ट है वो नहीं चलता क्योंकि वो तो साइड में रहता है, है ना। तो ग्राउंड में अगर ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है वो तो साइड में रहेगा और जो बीच का पार्ट है यानी कि ये वाला जो पार्ट है वही सिर्फ ग्राउंड के ऊपर में चलेगा, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा सर्कुलर पार्ट का जरूरत नहीं है। तो जहां पर सर्कुलर पार्ट का जरूरत नहीं है वहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये मेरा क्या होता है 2πr h, यहाँ से मिल गया हमको 2π मतलब 22/7, r मतलब 42, h मतलब 120, ये मेरा हो गया है 31680 cm². तो वन रिवॉल्यूशन के लिए यानी कि एक बार घूमने के लिए इसको लग रहा है 31680 cm² का एरिया। देयरफॉर टोटल एरिया लेवल्ड बाय रोलर इन 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, अगर एक रिवॉल्यूशन के लिए लग रहा है 31680 तो 500 के लिए कितना लगेगा 1584000 cm², ठीक है। तो 500 रिवॉल्यूशंस के लिए उसको इतना एरिया कवर करना पड़ रहा है,
तो यहाँ पर मेरा आंसर था सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं मीटर स्क्वायर में, तो नीचे में हो गया है 100 × 100, यानी कि ये मेरा आंसर आ गया है मीटर स्क्वायर में 1584 मीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड मेरा बन जाता है 1584 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है ए सिलेंड्रिकल पिलर जहां पे जो डायमीटर है उस पिलर का वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो हाइट है वो दिया हुआ है 3.5 मीटर। बोलता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमको मीटर स्क्वायर में निकालना है इसका कॉस्ट, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ था हाइट मीटर में और हमको जो डायमीटर है वो दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो हमको पहले ये वाला जो डायमीटर है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। देखिए हाइट मेरा दिया हुआ है 3.5 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 50 है तो रेडियस मेरा हो जाएगा उसका हाफ यानी कि 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का मतलब हो जाता है 0.25 मीटर। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला मेरे पास एक सिलेंड्रिकल पिलर है जहां पे जो हाइट है वो हमको दिया हुआ था 3.5 मीटर और जो रेडियस है यानी कि यहां से लेके यहां तक जो रेडियस है वो हमको यहां पर दिया हुआ है 0.25 मीटर। ठीक है, ये हमको यहां पर दिया हुआ है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया हमको पता है एक सिलेंड्रिकल शेप फिगर का होता है 2πRh, यानी कि 2 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 0.25, एच मतलब 3.5। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको फॉर्मूला में पुट कर लिए, मेरा जो आंसर है सॉल्व करने के बाद ये मेरा आता है 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा एरिया हो गया है 5.5 मीटर स्क्वायर ये सिलेंड्रिकल पिलर का। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको क्या करना है, उसको वाइट वॉश करने के लिए हमको लग रहा है ₹12.50, तो 5.5 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करने के लिए कितना लगेगा। देयरफोर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 5.5 मीटर स्क्वायर सिलेंड्रिकल पिलर ये मेरा हो जाता है ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर के रेट से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमको लग रहा था 12.50, तो 5.5 मीटर स्क्वायर के लिए हमको लगेगा 12.50 × 5.5, यानी कि ये मेरा बन जाएगा ₹68.75। ठीक है, ये पूरा सिलेंड्रिकल पिलर को व्हाइट वॉश करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये बोलता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 देन फाइंड द हाइट। यहाँ पर हमको हाइट निकालने के लिए बोल रहा है जहां पर रेडियस हमको दिया हुआ है 0.7। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा होता है 2πRh जो कि हमको दिया हुआ है 4.4, यानी कि ये मेरा हो गया है 2πRh = 4.4, जहां पे हमको निकालने के लिए बोल रहा है हाइट, तो एच मेरा हो जाएगा 4.4/2πr, यहाँ पर पाई मेरा है 22/7 और आर मेरा है 0.7, तो ये मेरा सॉल्व करने से आंसर आता है 1 मीटर का। इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ये मेरा हो जाएगा 1 मीटर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। ये मेरा एक सर्कुलर वेल है, ठीक है, जहां पर जो इनर डायमीटर है यानी कि ये यहां से लेके और ये वाला यहां तक, ये मेरा जो इनर डायमीटर है ये हमको दिया हुआ है 3.5 मीटर एंड इट इज 10 मीटर डीप। यहां से लेके जो यहां तक है ये कितना है, ये हमको दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर ये डीप है, यानी कि हाइट हो गया है 10 मीटर और डायमीटर हो गया है मेरा यहाँ पर 3.5 मीटर का। यहाँ पर कहता है इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए और कहता है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको निकालना है, तो देखिए इनर रेडियस क्या निकलेगा, यहाँ पर हमको दिया हुआ था डायमीटर 3.5, तो जो इनर रेडियस है
सर्कुलर वेल का वो मेरा हो जाएगा डायमीटर बाई टू यानी कि 3.5 बाई टू मतलब 1.75 मीटर, ये हो गया है रेडियस। ठीक है, अब इनर कर्व सरफेस एरिया मेरा हो जाएगा 2πRH, तो 2πRH मेरा होता है कर्व सरफेस एरिया। और हम लोग यहाँ पर जो इनर सिलेंडर है उसका हम लोग निकाल रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इनर कर्व सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया ये इनर सिलेंडर का, ये मेरा हो गया है 2, ये मेरा हो गया है पाई, ये हो गया है आर और ये हो गया है एच। इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो ये मेरा हो गया है आंसर 110 मीटर स्क्वायर, ये मेरा हो गया है इनर कर्व सरफेस एरिया। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसको पेंट करने के लिए हमको लग रहा था 40 रुपीज। नंबर टू में हमको कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग लग रहा था 1 मीटर स्क्वायर का रुपीज 40, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा 110 इंटू 40 यानी कि रुपीज 4400। ओके, ये मेरा हो जाएगा ये कॉस्ट प्लास्टरिंग करने का, ये इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस वेल। ओके, आप देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए, ये कहता है इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, यहाँ पे एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम दिया हुआ है, कहता है देयर इज ए सिलेंडर, ये है क्वेश्चन नंबर ए। ये कहता है इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 मीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक सिलेंड्रिकल पाइप का हाइट, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप हमको दिया हुआ है 28 मीटर। फिर हमको बोलता है कि ये वाला जो सिलेंड्रिकल पाइप है, फिर हमको बोलता है ये वाला जो सिलेंड्रिकल पाइप है, ये सिलेंड्रिकल पाइप का जो डायमीटर है वो हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस मेरा हो गया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये 2.5 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, ये मेरा हो जाएगा 0.025 मीटर। ओके, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये वाला सिलेंड्रिकल पाइप मेरा बन जाता है 2πRH, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 2 इंटू ये है पाई, ये है मेरा आर और ये है मेरा एच, सॉल्व करने से आता है 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर द एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम, ये मेरा बन जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। यहां पर देखिए ये हमको दिया हुआ है इसका 4.5 मीटर इसका हाइट और डायमीटर हमको दिया हुआ था यहाँ पर 4.2 मीटर। अगर 4.2 मीटर इसका डायमीटर है तो इसका रेडियस मेरा हो गया है देखिए 2.1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बोल रहा था निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया, नंबर वन हाइट हमको दिया हुआ था 4.5 मीटर, रेडियस दिया हुआ है 2.1 मीटर, लेटरल सरफेस एरिया मेरा यहाँ पर निकल गया है 2πRH यानी कि 2 इंटू पाई, फिर ये हो गया है आर, ये हो गया है एच, सॉल्व करने से आ गया है 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ये वाला जो दिया हुआ था मेरे पास सिलेंडर, उसका आ गया है 59.4 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया ये मेरा बन जाएगा ये पेट्रोल स्टोरेज टैंक का जो कि है 59.4 मीटर स्क्वायर। ओके, अब नंबर टू क्या बोलता है देखिए, नंबर टू बोल रहा था हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। बोल रहा है कि कितना स्टील हमको एक्चुअली यूज करना पड़ा ये टैंक को बनाने के लिए, जहां पर जो 1/12 है स्टील का वो वेस्ट हो चुका था। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कितना एक्चुअली स्टील का जरूरत पड़ा था ये टैंक को बनाने के लिए वो पूछ रहा है। ओके, देखिए नंबर टू, हमको यहाँ पर
टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा पहले ये जानने के लिए कि वो वाला जो टैंक था उसको बनाने के लिए हमको टोटल कितना एरिया का जरूरत पड़ा था, ठीक है। तब जाके हम लोग वहां से कितना स्टील वेस्ट हुआ था उसको निकाल सकते हैं, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया ये मेरा बन जाता है 2πRh+R। इसको सॉल्व किए हैं तो हमको यहाँ मिल गया है टोटल सरफेस एरिया 87.12 m², ठीक है। नाउ अमाउंट ऑफ स्टील वेस्टेड, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ स्टील मेरा वेस्ट हुआ था, वो था मेरा 1/12 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल जो निकला था हमको उसमें से मेरा 1/12 वेस्ट हो गया था, यानी कि ये मेरा हो गया है 7.26 m². 7.26 m² का स्टील मेरा वेस्ट हो गया था। अगर ये वाला जो वेस्ट हो गया था उसको हम लोग टोटल में ऐड कर देंगे तो हमको निकल जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ स्टील जो हम लोग यूज किए थे उस टैंक को बनाने के लिए, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ स्टील यूज टू मेक द टैंक वो हो गया है 87.12 + 7.26, यानी कि 94.38 m², ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये बोलता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि ये वाला जो हमको यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लोथ, द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 cm, यानी कि जो डायमीटर है बेस का वो यहां से लेके यहां तक हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 cm, एंड हाइट ऑफ 30 cm, यानी कि जो हाइट है वो हमको दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक का जो हाइट है वो हमको दिया हुआ है 30 cm का, ठीक है। फिर बोलता है ए मार्जिन ऑफ 2.5 cm इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम, यानी कि ऊपर में 2.5 m हमको छोड़ना पड़ेगा, नीचे में हमको छोड़ना पड़ेगा 2.5 किस लिए, फोल्ड करने के लिए, ठीक है। फाइंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, ये लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितना क्लोथ का जरूरत पड़ेगा हमको निकालना है। देखिए टोटल क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमको ये वाला जो जगह है इसको भी कवर करना है, यानी कि जो 1 है उसको कवर करना है, हमको जो 2 है उसको भी कवर करना है, और यहाँ पर जो थर्ड एरिया है उसको भी हमको कवर करना है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमको निकालना पड़ेगा ये तीनों का। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 3, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 क्या हो जाएगा 2πR1H, यानी कि ये वाला जो रेडियस है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 2πR1H, फिर ये हो गया है 2πR2H, फिर हो गया है 2πR3H, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका निकल गया है कर्व सरफेस एरिया, सेकंड पार्ट का निकल गया है कर्व सरफेस एरिया, थर्ड पार्ट का निकल गया है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये मेरा हो गया है 2πR, क्योंकि R मेरा कॉमन था सब में, R मेरा यहाँ पर कितना था, R मेरा था यहाँ पर 10, ठीक है। H क्या है देखिए यहाँ पर इसका हाइट, यानी कि 1 का हाइट मेरा दिया हुआ था हमको 2.5, 2 का हाइट हमको दिया हुआ था यहाँ पर देखिए 30, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ था हमको 30। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसका हमको हाइट दिया हुआ था 2.5, हमको यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा था ना जो फोल्ड करने के लिए हमको लग रहा था 2.5, ठीक है, ये वाला हो गया मेरा 2.5 और 2.5 और बीच में हो गया ये वाला मेरा 30। इसको हम लोग देखिए सॉल्व किए हैं तो मेरे पास आ गया है 2200 cm². देयरफोर टोटल क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड ये मेरा हो जाएगा 2200 cm², ओके। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये बोलता है द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वेयर आस्क टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ ए बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, ईच पेन होल्डर
was to be of radius 3 cm, height 10.5 cm, ठीक है, यहाँ पर रेडियस और हाइट हमको दिया हुआ है. द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विथ कार्डबोर्ड, वो लोग कार्डबोर्ड से बनाएगा पेन होल्डर्स जहाँ पे रेडियस और हाइट दिया हुआ है हमको, ठीक है. इफ देयर वेयर 35 कॉम्पिटिटर्स, अगर 35 कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेट कर रहा है उस कॉम्पिटिशन में, देन हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन, यहाँ पर कितना कार्डबोर्ड लगेगा उस कंपटीशन के लिए जहां पर 35 कॉम्पिटिटर्स बना रहा है पेन होल्डर्स, और वो पेन होल्डर्स का मेरा जो हाइट है वो है 10.5 सेंटीमीटर और रेडियस हमको है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है. देखिए ये वाला हो गया है मेरे पास एक पेन होल्डर जहां पे हाइट हमको दिया हुआ था यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर का. तो जब हाइट हमको दिया हुआ है यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर का और रेडियस हमको दिया हुआ यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का, तो हम देख सकते हैं कि सिंस इट इज ए पेन होल्डर सो द सिलेंड्रिकल शेप पेन होल्डर विल हैव ओपन टॉप, यानी कि जो पेन होल्डर होता है उसमें हमको पता है कि ऊपर का जो पार्ट होता है वो खाली होता है. क्यों? क्योंकि ऊपर से हम लोग उसके भीतर में पेन को रखते हैं, ठीक है. पेन को रखने के लिए हमको ऊपर का पार्ट को हमको खाली यानी कि हमको ओपन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हम लोग पेन रख पाएंगे इसके भीतर में, और नीचे का पार्ट मेरा क्लोज रहता है, ठीक है. तो ऊपर का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ऊपर का पार्ट मेरा हो गया है ओपन, और नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है ये वाला, ये क्या है, ये मेरा हो गया है क्लोज्ड. तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे. ये मेरा हो जाएगा रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ बोल सकते हैं कि टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंड्रिकल पेन होल्डर ये मेरा हो जाएगा 2πRh, और नीचे वाला सर्कल के लिए πr², ठीक है, यानी कि ये मेरा हो गया है πr कॉमन ब्रैकेट में 2h प्लस r. इसको सॉल्व किए हैं तो हमको आंसर आता है 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर का. ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया. देयरफोर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंड्रिकल पेन होल्डर ये मिल जाता है हमको 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. ये मेरा क्या था, वन सिलेंड्रिकल पेन होल्डर के लिए. देयरफोर टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ 35 कॉम्पिटिटर्स, यानी कि देखिए एक सिलेंड्रिकल पेन होल्डर बनाने के लिए हमको लग रहा था 226.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, तो वैसा ही हमको 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए कितना लगेगा, हमको लगेगा 35 × 226.28 यानी कि 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल कार्डबोर्ड लगेगा उस कंपटीशन के लिए जहां पर 35 कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेट कर रहा है पेन होल्डर्स को बनाने के लिए, तो हमको यहां पर टोटल जो एरिया है कार्डबोर्ड का वो लगेगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, थैंक यू. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स.